अगली खबर की ओर। गुरुग्राम में क्विंटर हिल्स अपार्टमेंट सेक्टर 77 के निवासियों ने सड़क पर प्रदर्शन किया और बिल्डर पर ठगी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके फ्लैट लिया, लेकिन पैसे खर्च करने के बाद भी हमें कोई सुविधा नहीं मिली है। सुविधाओं के नाम पर बिल्डर ने हम लोगों के साथ ठगी की है। बता दें कि सोसाइटी में 706 फ्लैट हैं, जिनमें 500 से ज़्यादा परिवार रह रहे हैं, लेकिन सोसाइटी में आने जाने का सही रास्ता नहीं है। वहीं इस मामले को लेकर बिल्डर का कहना है कि हम रोड बनाने को तैयार हैं, लेकिन कुछ ग्रामीण इस रास्ते में अपनी ज़मीन होने का दावा करते हैं और रोड नहीं बनाने देते। सोसाइटी के लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द रोड की समस्या का समाधान कराया जाए। सर देखिए, पिछले 5 सालों से ये रोड का यही हालत है। ये रोड आपको दिख रहा है कि ये हालात में है और सरकार और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार आपने का जो काम कर रहा है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है इसको रोड पर बनाया जाए। बच्चे हैं, प्रेगनेंट लेडीज हैं, किसी को कोई भी किसी तरह की इमरजेंसी भी आ सकती है। बच्चों को स्कूल जाना है, ये अकेला रोड है, तो इस रोड को मोटरेबल बना दिया जाए जल्दी से जल्दी, ताकि लोगों को सुविधा मिले। हम रजनीशर सेवा है, मैं यहाँ की 77 की सोसाइटी का फ्लैट बायर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। कुल मिला के 706 फ्लैट्स हैं, जिसमें 500 के करीब फैमिली रह रही हैं, और टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो करीब करीब 1500 लोग रह रहे हैं, जिसमें अपने बुजुर्ग बच्चे सब मिला के 1500 के आसपास हैं। यही एक रास्ता है जो आने जाने का माध्यम है, जो कि बिल्कुल कच्चा है। आप देख सकते हैं, आप सभी कैमरा के माध्यम से सबको दिखाइए। ये रास्ता जिस दिन 10 मिनट की भी बारिश हो जाती है, यहाँ पे घुटने घुटने कमर तक पानी भर जाता है। चाहे SUV हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, बोनट तक डूब जाती है। एम्बुलेंस आने से मना कर देती है, टैक्सी मना कर देती है, स्कूल बसेस मना कर देती हैं। हम एक आइलैंड की तरह हो जाते हैं, जो कि पूरे शहर से कट जाता है।